नू में उस समय हर कोई हैरान रह गया जब थाना शहर नू एसएचओ विजेंद्र कुमार राठी पर गांव की ही एक महिला ने दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके कुछ घंटों बाद पुलिसकर्मी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और मामला भी दर्ज हो गया। कड़ा संज्ञान तो मामले में साथ की साथ लिया गया, लेकिन महिला ने एक ही दिन में अपने बयान बदल डाले, जिसके बाद तुरंत ही पुलिसकर्मी को भी जमानत मिल गई। वहीं महिला थाना प्रभारी नू ने मामले में जानकारी दी। एक महिला की शिकायत पर यह अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय अदालत में पेश किया गया और अदालत वह अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के अनुसार शिकायतकर्ता के होस्टाइल उनके शिकायतकर्ता के स्टेटमेंट चेंज होने के बाद उनको पुलिस बेल पर रिलीज किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन इसमें गहनता से की गई। कंप्लेनेंट स्वयं अपने परिवारजनों के साथ हाजिर आई और उन्होंने अपने बयान में बताया कि मेरे साथ दुष्कर्म जैसी कोई हरकत नहीं हुई थी। उन्होंने जो पहले कंप्लेंट दी हुई थी, जिसके बारे में अभियोग अंकित नहीं किया गया था, उसके उस बात से परेशान होकर उन्होंने ये आरोप लगाकर अभियोग दर्ज कराया था। ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके साथ सिर्फ छेड़छाड़ का मामला था जो हमने दर्ज करके और उसमें निरीक्षक विजेंद्र महिला थाना परवारी शहर को गिरफ्तार करके और उनको पुलिस बेल पर रिलीज किया गया है। जो कार्रवाई बनी है उसमें हमने गिरफ्तार करके पेश कर दिया। आगे इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू है। छेड़छाड़ के बारे में तो हमने एक्शन लिया है, लेकिन जो रेप के एलिगेशन थे उसके बारे में उन्होंने अभी डिनाई किया है कंप्लेनेंट ने, तो कंप्लेनेंट के खिलाफ भी 182 की कार्रवाई बाद में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर बनती है तो एक्शन लिया जाता है। जी, हो चुकी है। हाँ, उनको अर्नेश कुमार के गाइडलाइंस के तहत पुलिस बेल पर रिलीज किया जा रहा है। वहीं ये भी अब एक जांच का विषय है कि जो महिला एक दिन पहले तक एक के बाद एक बेहद ही गंभीर आरोप शहर थाना एसएचओ विजेंद्र कुमार राठी पर लगा रही थी, उसके सुर चंद घंटे बाद ही क्यों और किस लिए बदल गए। इस मामले की गहनता से जांच होना बेहद ही जरूरी है। पुलिस का कहना है कि अगर महिला ने गलत शिकायत की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ताकि फिर कोई इस तरह की गलत शिकायत ना कर सके। और अगर महिला की शिकायत सही है तो फिर उसमें बयान किसके दबाव में और क्यों बदल दिए गए, इसकी सच्चाई भी जमाने के सामने आनी बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस मामले में इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह राठी को राहत मिलती दिख रही है। नू से कासिम खान की रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा।